Assalamualaikum. Hello everyone. कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, हेवी स्नोफॉल हो रहा है, रात भर स्नो बरसा है और हम सो रहे थे, हमें पता नहीं था. जैसे दरवाज़ा खोल के हम बाहर आए ना, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. सुनो सुनो सी, और फर्स्ट टाइम यूके में आकर हम इतना स्नोफॉल देख रहे हैं, और ज़मीन पे मैं फर्स्ट टाइम इतना स्नोफॉल देख रही हूँ. पहाड़ों पे मैंने देखा है बट ज़मीन पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस. कैसा लग रहा है? अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जा रही हूँ अलीना को स्कूल ड्रॉप करने. वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, 2 मिनट्स लगते हैं घर से. हेवी स्नो, बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे. फर्स्ट टाइम इतना स्नो देख रहे हैं, हैप्पी है. बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए तो नॉर्मल होगा, हम लोगों के लिए बहुत मज़ा आ रहा है. इतना स्नो फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले भी हुआ है बट अभी इतना जम के नहीं हुआ है. तो हम आ गए अलीना का स्कूल. बहुत लोग पूछ रहे थे अलीना का स्कूल दिखाइए, तो ऐसा है अलीना का स्कूल बाहर से. कैसा लग रहा है स्कूल तुम्हारा? पूरा स्कूल अलीना का बर्फ से भर गया है. तो ये आगे अलीना अपने स्कूल. बाय सोनू, बाय माँ, कम कम बाय माँ. गजब की ठंड भी लग रही है, हाथ बाहर है, शूट कर रही हूँ ना, हाथ पूरा अकड़ गया है मेरा, इतनी ज्यादा ठंड है. और यहाँ सारे पेरेंट्स बच्चों को ड्रॉप करके वापस घर जा रही थी. हस्बैंड थोड़े बिजी थे तो मैंने बोला चलो मैं आ जाती हूँ, और मेरा मन भी था स्नो देखने का, ऐसा बाहर आने का, तो मैं आ गई. और यहाँ अलीना को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ना मैं खेलते हुए जा रही हूँ स्नो के साथ. अलीना अगर होती तो वो बोलती मम्मा मुझे मना करती हूँ, आप खुद ही खेल रही हो. तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. वहाँ है हमारा घर, घर आ गया है. और ये हमारा बाहर का एरिया. अब मैं घर आकर फ्रेश हो गई थी और मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ. तो आज सोच रही हूँ झटपट वाला नाश्ता उपमा बना लूँगी, बहुत क्विक बन जाता है. तो मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ. तो मीशू भी सोकर उठ गई है, मैं नाश्ता बना रही थी किचन में तभी मीशू की रोने की आवाज़ आई, और उसे भी अच्छा लग रहा है स्नो इतना देख कर. तो यहाँ मिशू बोलना चाह रही है कि वो केटल से पानी डालेगी पापा के कार में और स्नो चला जाएगा. आए पापा. नो भाई पापा. तो स्नो बंद कर दिया. तो मिशू को फ्रेश कर दिया मैंने नाश्ता वाश्ता करा कर. अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ मेरे और हस्बैंड के लिए. तो यहाँ पे मैंने रवा लिया है 1 कप. बहुत टाइम से ना हमने उपमा नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज उपमा बना देते हैं. और ये सूजी पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा यूज़ भी हो जाएगा इसी तरह से. तो मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है सूजी को. उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चॉपिंग कर ली है, कैरेट है, ग्रीन चिलीज़ है, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा पीनट्स एंड कैश्यू नट्स एंड ग्रीन पीस. आप चाहो तो इसमें प्याज और बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई अच्छे से गरम कर लिया, उसमें तेल ऐड किया है बिल्कुल थोड़ा सा. अब इसमें ऐड करेंगे राय और कड़ी पत्ता, सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, अदरक, ग्रीन चिलीज, ये सब. तो ये सब अच्छे से डालकर थोड़ा भून लेंगे. उसके बाद चना दाल, साथ साथ जाएगा इसमें कैश्यू नट्स, पीनट्स, इसे भी थोड़ा चला लेंगे. उसके बाद सारी सब्जियां मैं ऐड कर रही हूँ. अगर आप प्याज ऐड कर रहे हो तो प्याज पहले ऐड करके थोड़ा सा उसे ट्रांसलूसेंट कर लो, हल्का सा पका लो. उसके बाद कैरेट, पीस, ये सब डालो. उसके बाद मैंने ऐड कर दिया पानी. मैं यहाँ पे टोटल 3 कप पानी यूज़ करूँगी. 1 कप मैंने सूजी लिया था तो उसमें 3 कप पानी जाएगा, तो ये परफेक्ट बन जाता है उससे. तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया. अब इसमें जाएगा साथ साथ नमक. नमक डाल के सब्ज़ी को थोड़ा हम पका लेंगे. सब्ज़ी थोड़ा पक जाएगा तो इसमें हम रवा ऐड कर देंगे, और फ्लेम कम कर देंगे नहीं तो लम्स पड़ जाएगा. फ्लेम कम करके हम इसे चला लेंगे, और स्लो फ्लेम पे हम इसे 2-3 मिनट पका लेंगे. तो ये हमारा उपमा बनकर रेडी हो गया. बहुत क्विक बन जाता है, बहुत क्विक ब्रेकफास्ट है. और इसे मैं बोल में डाल के ना सेट कर दूँगी तो राउंड सा शेप आता है, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है.
तो ये देखिए उपमा हमारा सेट हो गया है और कितना अच्छा सा शेप भी आ गया है, और ये छोटा सा प्याला मेरे लिए। तो बस अब नाश्ता कर लेंगे, और मिशू भी आ गई है, बट मिशू ने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है, तो बस वो ऐसे ही बैठी है हमारे साथ। You want warm water? तो बहुत दिनों बाद आज उपमा बनाया मैंने, और बहुत अच्छा लगा आज का नाश्ता करके। तो नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, सोच रही हूँ अलीना का बेडरूम थोड़ा ठीक ठाक कर दूँ। बेड उसका बहुत मैस हो गया था, तो मैंने बेडशीट निकाल दिया है उसके बेड से, अब फ्रेश बेडशीट लगा दूँगी। और इस तरह का बंक बेड में ना बेडशीट लगाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झुक झुक के बैठ बैठ के काम करना पड़ता है, बेडशीट लगाना पड़ता है। खड़ी होने गई ना तो सर में लग जाएगा, ऊपर का जो बेड है उससे लग जाएगा सर में, तो बैठ बैठ के मैंने लगाया है बेडशीट। खैर, इसका बेडशीट अभी बेड फ्रेश हो गया है, और फ्रेश बेडशीट मैंने लगा दिया है। और अब रहा ऊपर का, तो ऊपर का भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ऊपर मैं बहुत कम जा पाती हूँ, क्लीन नहीं हो पाता है, तो आज सोच रही हूँ कर दूँगी। और इस तरह का बेड मुझे ना पहले से पसंद नहीं था, मैंने बहुत मना किया अलीना को, बट उसका बहुत मन था, तो उसके पापा ने बोला रहने दो, बच्चे का मन है तो कभी वो ऊपर सोती है कभी नीचे सोती है, इसलिए ना दोनों बेडशीट मुझे चेंज करना पड़ा। और बच्चों के रूम में ना फिटेड बेडशीट ही सही होता है, और जितना भी वो लोट पोट करे बेडशीट बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पर बेडशीट लग गया है, और मेरी नज़र ना शेल्फ़ पे पड़ी, तो शेल्फ़ भी गंदा हो गया है, काफ़ी डस्ट पड़ा हुआ है। मैं बहुत दिनों बाद, मे बी आफ्टर 2 वीक्स, मैं ऊपर आकर क्लीन कर रही हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे मैं किस चीज़ से क्लीनिंग करती हूँ, तो ये क्लीनिंग वाइप्स है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, स्पेशली वाइट फर्नीचर, तो मैं क्लीन करते वक्त क्लीनिंग वाइप्स का यूज़ करती हूँ। और ये स्नोफॉल ना रात से स्टार्ट हुआ है, अभी तक मतलब चल रहा है, नॉन स्टॉप बरस रहा है। तो आज का वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, घर से बैठ के स्नोफॉल का मज़ा ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मटन निकाल लिया है, कुछ अलग सा स्पेशल सा रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। मैं आज मटन अफ़गानी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ना धनिया वगैरह निकाल रही हूँ फ्रिज से। तो यहाँ पर हैंडफुल ऑफ हमें कोरिएंडर लीव्स चाहिए होगा, तो पहले इसका ग्रेवी बना लेंगे, बट उससे पहले धनिया को धोकर इसका पानी झड़ने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया वॉश कर लिया है, इसका पानी निकलने देंगे। तो 1/2 kg मटन के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ का अनियन को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, और साथ में जाएगा 1 पुट्टी धनिया, और जो अनियन मैंने रफली चॉप किया डाल देंगे, मैंने मोटा मोटा ही काटा है क्योंकि पीसना है इसे। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के मैंने डाला है, और 3-4 ग्रीन चिलीज़ मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चिलीज़ एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें 10-12 कैश्यू नट डाल दिया है, और इसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, और साथ साथ ऐड करेंगे दही। और आप मेक श्योर करो कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ ना तो करी फिर खट्टा खट्टा हो जाता है, तो हमारे यहाँ जो दही मिलता है इतना खट्टा नहीं होता है ये, तो मैंने 3 टेबल स्पून दही ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस लाइक क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, और साथ साथ कसूरी मेथी भी डाल देंगे 1 टीस्पून, और नमक जाएगा साथ साथ इसके। और अब इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस, अगर आप लेमन जूस नहीं यूज़ करना चाहते हो तो 1 टीस्पून चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हो, और मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है उसकी जगह आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो ग्रीन मसाला का पेस्ट हमने बनाया है उसे दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे मटन हम बॉईल कर लेंगे। तो मटन को जस्ट मैंने कुकर में डाल दिया, एक जिंजर गार्लिक क्यूब्स डाल दिया है, और एक तेज़पत्ता, नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें पका लेना है, बॉईल कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी और मसाला ऐड करना नहीं है आपको इसमें, थोड़ा चला के इसे बंद करके पका लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने मटन को कम्प्लीटली कुक कर लिया है, मटन हमारा अच्छे से गल गया है, और पानी इसका मैंने पूरा सुखा लिया है।
तो जो गला हुआ मटन है उसको हम इस ग्रेवी में डाल देंगे, और आप चाहो तो डालकर इसके अंदर थोड़ी देर आप मैरिनेट कर सकते हो, 2-3 घंटा छोड़ सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम ना हो, इंस्टेंट बनाना चाह रहे हो तो भी आप बना सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है इसे मैरिनेट करना। तो मैंने इंस्टेंटली बना लिया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हल्का सा तेल डाला है इसमें, शैलो फ्राई कर लिया है, और इस तरह से ना गोल्डन देखिए पैचेस आने लगेंगे मटन के ऊपर। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से उलट पुलट के पका लिया है। तो हमारा मटन रेडी हो गया है, अब उसका मसाला जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो मैंने तेल में डाला लौंग, इलायची और दालचीनी, उसमें जाएगा ये ग्रेवी। थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने डाल दिया था इसमें, और उसके बाद इसको अच्छे से हम पका लेंगे जब तक इसमें से ना ऑयल उज आउट ना होने लगे। मसालों को अच्छे से पकाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, उसमें मैंने मटन ऐड कर दिया, और इसको डाल के अच्छे से हम थोड़ा चला लेंगे। और इसमें कैशू नट वगैरह है ना, तो ये ग्रेवी थिक हो जाएगा। और आप कुकिंग क्रीम डालना चाहते हो तो कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हो मसाले के साथ। तो बस हमारा यहाँ पे अफ़गानी मटन रेडी हो गया है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाता है। और साथ साथ मैंने पराठे सेक लिए, क्योंकि ये वाला जो डिश है वो पराठे के साथ, रोटी या नान के साथ ही अच्छा लगता है, राइस के साथ अच्छा नहीं लगता है। बट अलीना को स्कूल से आके ना राइस ही चाहिए होती है। और मैं यहाँ खाना सर्व कर रही हूँ, अलीना स्कूल से आ गई है, और बहुत ही यम्मी ग्रेवी बना था, आप लोग भी ट्राई करना। तो हमारा गार्डन जो है ना पूरा बर्फ से भर गया है, और अलीना स्कूल से आकर देखी है तो उसको तो अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं किया उन लोगों को बाहर जाने का। पूरा उनका जो खेलने का मैदान था ना, प्लेग्राउंड, पूरा बर्फ से भरा हुआ था। तो यहाँ पे वो इंजॉय कर रही है घर में आकर, और मैंने बोला है बस 10 मिनट, क्योंकि मुझे डर लगता है बच्चों को जल्दी सर्दी वगैरह भी लग जाती है ना, तो बहुत ज़िद कर रही थी तो मैंने थोड़ा अलाउ कर दिया। और अलीना से ज़्यादा तो मीशू इन्जॉय कर रही थी, उसे इतना मज़ा आ रहा था। जब मैंने अंदर लिया तो इतना रोई है वो, बिल्कुल आना नहीं चाह रही थी। और यहाँ पर अलीना ने ना स्नो से पूरा नाम लिख लिया अपना गार्डन में, अलीना। और मैं बाहर शूट कर रही थी इन लोगों को, तो मुझे इतनी ठंड लग गई, मैं आकर मैंने थोड़ा चाय बनाकर मैंने पी लिया, और स्नो फॉल इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ बैठे हुए। That's rubber band. और यहाँ पर मीशू को ना मेरा रबर बैंड और क्लिप्स का बैग मिल गया, पूरा खोल कर उसने देखिए सीढ़ी पर डाल दिया है, और एक एक करके सब नीचे फेंक रही है। और यहाँ हस्बैंड शाम का टाइम हो गया ना, तो जो रमज़ान प्रिपरेशन मैंने किया था धीरे धीरे वो सब खाया जा रहा है। यहाँ पे कबाब रख दिया गया है एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए, और यहाँ पे समोसा तला जा रहा है, तो ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं स्नैक्स। तो इस तरह से ना कुछ ही दिन में सारा जो मैंने बनाया है सारा ख़त्म हो जाना है, और फिर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा रमज़ान के पहले। तो मैं एक टिप जो था 13 टिप मैंने बताया था, बट नंबर 14 टिप मैंने भूल गई थी कि एक दिन पहले ही बनाना है रमज़ान के, नहीं तो सारा चट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा घर में रमज़ान के लिए। तो अब शाम होने को आया है, और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। तो डिनर में बनाऊँगी वेज कोल्हापुरी, तो उसके लिए 10-12 कैशू नट ले लिया है मैंने, 4 कश्मीरी मिर्च सूखी वाली, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून पॉपी सीड्स और 1/2 टेबल स्पून मगज़ दाना यानी मेलन सीड्स डाल के ना गर्म पानी डाल के भिगो देंगे तो जल्दी भीग जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट मुझे बनाना है। और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत चॉपिंग वगैरह कर लूँगी सब्ज़ियों की। तो आप अपना कोई भी मनपसंद सब्ज़ी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लंबे वाले जो बीन्स होते हैं वो लिया है, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और कॉलीफ्लावर, ये सब डाल के बनाऊँगी। तो वेजीज मैंने चॉप कर लिए इस तरह से, तो एक बड़ा साइज़ का पैन मैंने बैठा दिया है, ऐसा फैला हुआ पैन में आप करेंगे ना तो अच्छे से वेजिटेबल सॉटी होगा, एक के ऊपर एक रहा तो इतना अच्छा नहीं लगता है स्टर फ्राई करने में। मैंने कॉलीफ्लावर, कैरेट और यहाँ पे एक छोटा साइज़ का पोटैटो डाल दिया है, पहले ये सब सब्ज़ियाँ पका लेंगे, कैप्सिकम
बाद में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी पक जाता है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स को टाइम लगता है ना पकने में, मैंने फर्स्ट बैच में वो सब डाल दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लंबे वाले जो बीन्स थे वो भी डाल दिया है, और अच्छे से इसे मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। हल्का हल्का गोल्डन पैचेस आ गया तब मैंने निकाल लिया। और अभी जो मसाला हमने गर्म पानी में भिगोया है उसके साथ ये कोकोनट भी जाएगा, तो कोकोनट को हल्का सा हम ना फ्राई कर लेंगे, ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो और भी टेस्टी हो जाएगा, और ग्रेवी में ना थिकनेस भी आता है इससे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है कोकोनट को, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और बाद में इसे ब्लेंड कर देंगे बाकी मसालों के साथ। और देखिए मिर्ची किस तरह से फूल गया है गर्म पानी में डालने की वजह से, तो अच्छे से ना पिसा जाएगा ये। तो सारा मसाला मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है यहाँ पे, और कोकोनट भी डाल देंगे साथ साथ, और सब कुछ डाल के थोड़ा पानी ऐड करके अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो और हम प्याज टमाटर का भी ग्रेवी बनाएंगे हल्का सा उसे पका कर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का अनियन और 3 मीडियम साइज़ का टमेटो ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से थोड़ा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सॉफ्ट हो जाएगा ना, इसे भी हम मिक्सी में जाके डाल के ब्लेंड कर देंगे। तो देखिए हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है, बस इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना, इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे। और बाकी का सब्ज़ी तब तक पका लेते हैं हम लोग। तो कैप्सिकम अनियन इस तरह से मैंने डाल के हाई फ्लेम में स्टर फ्राई कर लेंगे इसे भी। देखिए हमारा स्टर फ्राई हो गया, ये सब्ज़ियाँ भी इसे भी निकाल लेंगे। और पनीर और मटर मैं बाद में ऐड करूँगी, तो पनीर को मैंने स्टर फ्राई नहीं किया क्योंकि फ्रोज़न है ऑलरेडी, वो जल्दी गल जाता है। और यहाँ हमारा प्याज टमाटर भी ठंडा हो गया है, तो डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 3 सूखी मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। तो ये खड़े मसाले डालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, और ये थोड़ा तीखा ही बनता है इसलिए मिर्ची वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें। इसे थोड़ा सा पका लेंगे रॉस मिल जाने तक। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर ऐड कर दो। और इसे बहुत स्लो फ्लेम पे हम 10 से 15 सेकेंड सॉटे कर लेंगे। जब मसाला हमारा पक जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो ग्रेवी बनाया था हमने चिली पे चिली डाल के, वो ग्रेवी पहले डालेंगे क्योंकि ये कच्चा है। हल्का सा पानी डाल के मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और इसे थोड़ा सा पका लेंगे जब तक इसमें से तेल ऊज आउट होने ना लगे। और ये ग्रेवी पकने में अच्छा खासा टाइम लगता है मुझे, 12 से 15 मिनट लग गए, तो आप आराम से स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाए पेशेंस के साथ। और यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे प्याज टमाटर का जो हमारा ग्रेवी था वो भी जाएगा इसके अंदर, उसे डाल के भी हम अच्छे से पका लेंगे। इसे भी तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल छूटने ना लगे। तो यहाँ पर थोड़ा पानी डाल के ना, मसाला नहीं तो वेस्ट होता है, इसे डाल देंगे ग्रेवी में और अच्छे से पका लेंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने, ढक के थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे पका लिया था। उसके बाद देखिए इसमें से धीरे धीरे तेल निकलने लगा है, तो तेल उज आउट होने लगा है अब, तो हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है, ग्रेवी रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे सारे वेजिटेबल्स। तो मसाला भुनना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, मसाला नहीं भुनाएगा ना तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा, और टाइम थोड़ा लगता है मसाला भुनने में, तो थोड़ा सा आप आराम से भून ले। तो सारे वेजिटेबल्स को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट बस चला ले आप सब्ज़ी के साथ। ग्रेवी अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे गरम पानी, तो हमारा सब्ज़ी सॉरी इसमें पनीर डाल दूंगी, पनीर और मटर, मटर गला हुआ है मतलब फ्रोज़न है तो गल जाता है, इसलिए मैंने ऊपर से ही ऐड कर दिया। और पनीर भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप चाहो तो हल्का सा शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हो पनीर। और यहाँ पे गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया है, और इसे हम सब्ज़ी को अच्छे से पका लेंगे ग्रेवी के साथ, क्योंकि सब्ज़ी हमारा पका नहीं है, जस्ट हमने स्टर फ्राई किया था। तो पानी थोड़ा अच्छे से डाल देंगे, मतलब थोड़ा थिक ही रहता है, बहुत ज़्यादा पानी ना डाले, बहुत ज़्यादा रनी हो गया ना तो टेस्ट नहीं आएगा। और साथ साथ मैंने पराठा रख दिया है इसके साथ खाने के लिए, पराठा भी सेक रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पराठा भी रेडी हो गया है। और यहाँ पर देखिए
मैंने 10 मिनट ना स्लो, फर्स्ट 2 मिनट्स हाई फ्लेम में पकाया था, उसके बाद लास्ट 8 मिनट्स मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया था। हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल गया है और ग्रेवी इसका ऐसे ही होता है, थिक होता है, तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। सर्व कर लेते हैं इसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया वेज कोल्हापुरी, बट बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। तो आप वेज खाने के शौकीन होना तो इस तरह का आप डिश बना सकते हो। और कश्मीरी चिली की वजह से ना कलर भी बहुत अच्छा आया जो पीस के हमने डाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना था। तो अब मैं खाना सर्व कर लूँगी। तो लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है बिल्कुल वैसे ही सब्ज़ी बना है, बहुत ही यमी बना था। तो इसे पराठे या नान या रोटी के साथ एंजॉय करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जब मौसम होना तो कुछ इस तरह का तीखा खाने का मन करता है, चटपटा सा, तो मैंने ये बना लिया। ये थोड़ा स्पाइसी बनता है और बहुत अच्छा लगा। और ये महाराष्ट्र का डिश है, हस्बैंड बता रहे थे, वो मुंबई में थे तो उन्होंने बहुत बार खाया है वेज कोल्हापुरी, तो वही से बता रहे थे। तो ठीक है, बस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।